हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट का काउंट कर सकता है, कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। पहले हम लोग वीकली चार्ट्स में जाएंगे, फिर उसके बाद डेली चार्ट एनालिसिस देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 10 मिनट्स में भी देखेंगे कहाँ पे कल बाय या सेल कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट गैप डाउन खुलने का चांसेस आर वेरी है, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन या फिर एज पर प्राइस मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, पहले इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, पहले वीकली चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे, लास्ट टाइम अगर देखेंगे यहां पे एक सेलिंग था समय अराउंड इसी लेवल पे, अभी इसी सेम लेवल पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों को मार्केट के अंदर दिख रहा है, करेक्ट। तो लास्ट टाइम अगर देखें तो यहां पे एक स्विंग था, कंटिन्यूअसली बाइंग का मोमेंटम आ रहा था, तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, जैसे हम लोग बार-बार वेट कर रहे थे, दिस अ रिट्रेसमेंट। लेकिन जिस तरीके से मार्केट मूव हो रहा है, तो हमको लग रहा है कि नहीं, हां कितना बड़ा फॉल हो सकता है और कहां मार्केट जा सकता है। तो एज पर प्राइस लास्ट सपोर्ट कहां पे है, समय अराउंड यहां पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, और एक सपोर्ट लास्ट जहां से ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया था, क्योंकि जिस मोमेंट से ये नीचे आया था ये एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद अभी हमारा सपोर्ट समय अराउंड कंटिन्यूअसली अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है, इट्स इन सपोर्ट एरिया। तो अभी राउंड लेवल अगर आसपास ढूंढेंगे तो 37,000, दैट मींस 36,900, 37,000 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये से फ्रेश लेवल ब्रेकआउट दिया था, फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो इसी लेवल के आसपास से कहीं से ये रिवर्स हो सकता है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस यहां पे एक सपोर्ट में होल्ड कर सकता है। तो हम लोग एग्रेसिव अभी बाइक नहीं करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 60 मिनट चार्ट के अंदर एक पॉजिटिव कैंडल हम लोग को देखना चाहिए। अगर आप लोग पोजिशनल प्लान कर रहे हो तो 60 मिनट कैंडल में अगर 37,000 या 37,500, 400 कोई भी लेवल पे, करंट लेवल से लेकर 37,000 के बीच में कहीं पे भी अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, दैट मींस एक 1 आवर तक बाइंग का मोमेंटम रहता है, तभी आप लोग पोजिशनल प्लान कर सकते हो। इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन ये आप लोगों का पोजिशनल हो जाएगा यही पॉइंट पे। अभी एग्रेसिव सेलिंग में करना पसंद नहीं करूंगा, आई नीड टू वेट के लिए 37,000 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी मैं इसको प्लान करूंगा एग्रेसिव सेल करने के लिए। लेट्स इमेजिन कि निकल गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे आ गया और 37,000 के नीचे क्लोज हुआ, तभी मैं फिर इसको बेयरिश की तरह प्लान करूंगा, क्योंकि फिर ये लेवल से ब्रेकआउट होने के बाद समय अराउंड अगेन जब ये रिवर्स करेगा इस पुल बैक में, फिर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका होगा। अभी भी वीकली चार्ट के अंदर नो डाउट इमीडिएट अगर वीकली चार्ट देखेंगे इट्स सेलिंग प्रेशर, तो हम लोग पहले सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे इट्स स्टिल ए पार्ट ऑफ बुलिश ट्रेंड, तो हम लोग वेट करते हैं कहां तक ये मार्केट रिट्रेस हो सकता है। तो 37,000 देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल हम लोग 15 मिनट देखेंगे, फिर हम लोग चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कुछ इंटरेस्टिंग प्राइस ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं। जस्ट इमेजिन, मार्केट सेलिंग के लिए आया, यहां पर स्टेप बना के फिर नीचे आया, आप अगर देखें यहां पर एक ब्रेकआउट दिया था, लास्ट स्विंग के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, दैट मींस यहां से अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं मार्केट इस तरीके से नीचे गिर जाए, जनरली प्राइस एक्शन ये नहीं होता है। मार्केट किस तरीके से गिरेगा या फिर मार्केट किस तरीके से ऊपर जाता है मैं आपको बताता हूं। जनरली क्या होता है, जैसे मार्केट यहां से गिरा, मार्केट 18,500 से लेकर 16,500 तक आया, ये स्टेप बना के आया, दिस इज द प्राइस एक्शन। भले मार्केट जितना स्टेडिली नीचे गिरे, अगर विदाउट एनी न्यूज कुछ भी, अगर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है मार्केट के अंदर, नॉर्मल प्राइस एक्शन बना रहा है, इट हैज टू कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे सेलर आए, फिर बायर पुल बैक किए, फिर नीचे की तरफ आए, तो ये पैटर्न बनना कंपलसरी है। अभी अगर मार्केट को बाइंग के लिए जाना है तो इसी पॉइंट पे फिर ये वेट करेगा और यहां से एक अप ट्रेंड बनाएगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है। या फिर अगर मार्केट लेट्स इमेजिन के लिए यहां से पुल बैक होता है एंड 18,000 को फिर रेस्पेक्ट करके फिर नीचे की तरफ आता है और ये स्विंग ब्रेकडाउन कर देता है, दैट मींस यहां पे हम लोग एग्रेसिव का सेल करेंगे। करंट पोजीशन में हम लोग एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते हैं, बार बार मैं आपको ये पॉइंट बताया था, जब कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल बन चुके हैं तब रिट्रेसमेंट इज पेंडिंग इन द निफ्टी, और निफ्टी में थोड़ा फोकस रखिए, शार्प सेलिंग आ सकता है। डेली एनालिसिस हम लोग बार बार कर रहे थे और यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ चुका है। लोग गलती ये करते हैं, एक शार्प सेलिंग होने के बाद फिर एग्रेसिव सेल करते हैं। एग्रेसिव सेल के लिए मार्केट को पहले ये ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, 18,000 के आसपास कहीं पे एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, फिर हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो भी थोड़ा साइड में रखते हैं कि नहीं गैप डाउन खुले एंड ऑल, हम लोग 15 मिनट में उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन एज पर प्राइस एक्शन दिस इज ए बेस्ट सपोर्ट एरिया, क्योंकि लास्ट स्विंग ब्रेकआउट दिया था, तो इसी लेवल पे ये अगर वेट करेगा इधर ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा या फिर 18,000 से फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो अभी का पोजीशन आपको वोलेटिलिटी मिलने वाला है। अगर 60 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव कैंडल बन गया, फिर यहां पे हम लोग कंटिन्यूएशन बाइंग में फिर प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डेली एनालिसिस कर लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली एनालिसिस। अगर बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, कि नहीं एक डोजी टाइप या फिर हैमर टाइप कैंडल आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे बार बार
पर अगर आप लोग देखोगे हर एक लो के आसपास कहीं पे बाइंग हैपनिंग हो रहा है। अगर ये कल क्रॉस करता है, जस्ट इमेजिन कल अगर गैप डाउन खुल जाता है 37,200, क्योंकि इसी के आसपास एक लो लगा है, अगर इसी के आसपास गैप डाउन खुलता है आपको बस 15 मिनट वेट करना है, उससे ज्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट में भी कंफर्म हो जाएगा वेदर इट्स फॉर ए रिट्रेसमेंट या फिर ये कंटिन्यूसली में जाने वाला है। अगर कल पहला 15 मिनट कैंडल, जितने लोग ट्रेड करने वाले मेक श्योर कीजिए कि पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कलर कैंडल बन गया तो देयर इज ए होप फॉर बायर, कल के लिए एटलीस्ट एक होप रहेगा कि नहीं हाँ ये रिवर्स हो जाएगा। अगर ये 15 मिनट नहीं बनाता है और कल कंटिन्यूसली करके 37,200 के नीचे क्लोज दे देता है तो एक शार्प सेलिंग फिर से हम लोग को देखने मिल सकता है, 36,800-9,000 यहां तक भी मार्केट आ सकता है, फिर उसके बाद पुल बैक करेगा, वी डोंट नो, लेकिन पहले मार्केट को समझने की कोशिश करो। वीकली चार्ट के हिसाब से इट्स ए नॉर्मल रिट्रेसमेंट, लेकिन डेली एनालिसिस के हिसाब से जब भी एक डोजी बनता है, राइट, ये डोजी बना तो कभी भी इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर ये ब्रेक करा तो डेफिनेटली यहां पे फिर पैनिक सेनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंफ्यूजन कैंडल बनाया हुआ है, इट्स ए कंफ्यूजन कैंडल, तो इसका लो अगर क्रॉस किया तो डेफिनेटली यहां पे एक सेलिंग प्रेशर फिर से आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डेली एनालिसिस देखेंगे इट्स ए डिसेंट करेक्शन, ये करेक्शन पेंडिंग था, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था, बार बार आपको बता रहा था मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग है, लास्ट स्विंग समय अराउंड लास्ट स्विंग के आसपास ये अभी सपोर्ट ले रहा है, दैट मींस इसी लेवल के आसपास मार्केट को रिवर्स करना है। तो कल कैसे आपको पता चलेगा, अगर 15 मिनट चार्ट में अभी हम लोग चल जाते हैं, 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे 37,574 में क्लोज हुआ है, समय अराउंड इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोजिंग प्राइस आया है। अगर कल मार्केट लेट से गैप डाउन खुलने के बाद, लेट से इमेजिन के गैप डाउन खुला या फिर इसके नीचे गैप डाउन खुलने के बाद पहले 15 मिनट अगर ये फिर पॉजिटिव कैंडल बना देता है, समय अराउंड इस तरीके का कोई कैंडल बना देता है, फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में बड़ा क्वांटिटी भी प्लान मत करो, अभी बजट आने वाला है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी बड़ा क्वांटिटी आप लोग प्लान कभी मत करना, क्योंकि इट्स अ वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट के कारण। लास्ट 1 आवर के अंदर अगर जो मोमेंटम आप लोग देख रहे हो, इस तरीके का मोमेंटम में आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं कम क्वांटिटी कर लो एंड स्लो एंड स्टडी ट्रेड करो। तो पहले 15 मिनट कैंडल अगर कल ग्रीन बन जाता है, दिस इज द लास्ट होप कि नहीं बायर यहां पे थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं, पहले अगर ये ग्रीन कलर कैंडल बना दिया 10-15 मिनट के अंदर, अगर ये लेट्स इमेजिन कि नहीं 37,200 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल मतलब सक्सेसफुली क्लोज कर देता है ये लेवल के आसपास, फिर मार्केट 36,900-800 ये लेवल पे इंट्राडे के अंदर टेस्ट कर सकता है, फिर हो सकता है 1-2 दिन के बाद ये फिर पुल बैक करे, लेकिन हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कल आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वेट करते हैं 5-10 मिनट का कैंडल, वेट करते हैं कौन से लेवल पे क्लोज हो रहा है, क्या ये 37,200 के ऊपर एक ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज दे रहा है या फिर 37,200 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल में क्लोज दे रहा है। अगर नेगेटिव कैंडल में क्लोज दे रहा है तो हम लोग 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग का टारगेट होना चाहिए 36,900 या फिर 37,000 राउंड लेवल तक, 100 से 150-200 पॉइंट हम लोग का इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए। अगर ये 37,200 में क्लोज देते हैं तो बड़ा टारगेट हम लोग प्लान नहीं करेंगे, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा वोलेटाइल करके सस्टेन करे, हो सकता है कि नहीं दिन भर एक वोलेटिलिटी मोमेंटम करेगा, तो हम लोग एग्रेसिव बाय नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी बाय करेंगे। सेम 37,200 के ऊपर अगर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट के अंदर तो हम लोग 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के 100 रुपीज प्लान करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन सेलिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा 200 से मतलब एटलीस्ट 150 से 200 पॉइंट प्लान कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी भी सिमिलर, लास्ट हाफ एन आवर में एक शार्प मोमेंटम आया था, कंट्री सेलिंग का प्रेशर आया, फिर एक शार्प मोमेंटम आया है, सो दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट फॉर बायर्स। अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो डेफिनेटली हम लोग फिर थोड़ा सा टारगेट के लिए प्लान करेंगे 17,400-17,350, ये सारे लेवल हम लोग का टारगेट हो जाना चाहिए, 25 से 30 रुपए का हम लोग का टारगेट रहेगा। दैट मींस अगर मार्केट ये स्विंग के नीचे कल 15 मिनट एक क्लोज दे देता है फिर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग प्लान कर सकते हैं 17,400-17,350 हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर ये कल स्विंग सस्टेन कर जाता है दैट मींस डेफिनेटली कल मार्केट गैप डाउन तो खुला, ब्रेक भी किया लेकिन क्लोज इसके ऊपर दे दिया, दैट मींस यहां से थोड़ा सा फिर पुल बैक करके समय अराउंड 17,600-17,550 ये लेवल भी इंट्राडे में टच कर सकता है, तो हम लोग सिमिलर कल बस वेट करना है पहला 15 मिनट का कैंडल कहां बना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट जहां पे भी क्रॉस करता है हम लोग ये छोटा सा 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर 25-30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, पहला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगर हम लोग देखेंगे लास्ट स्विंग
सपोर्टिंग जहां से ब्रेकआउट दिया था ये ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, तो कल एक मोमेंटम फिर से मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ सपोर्ट और थोड़ा दूर है एंड 310 ये क्रॉस करते साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे लेकिन हम लोग का टारगेट 3 से 4 रुपये या 5 रुपये होना चाहिए, स्टॉप लॉस 2 रुपये होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पर दिख रहा है लेकिन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुलना चाहिए। अगर नेक्स्ट स्टॉक के कोल इंडिया अगर देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ लास्ट जहां से स्विंग था उसके आसपास ये ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है, अगर यहां से ये निकलेगा तो लास्ट ब्रेकआउट 156 के आसपास हुआ था तो एक अच्छा टारगेट इसके अंदर मिल सकता है 158 ये क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं, 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक के डीएलएफ अगर हम लोग देखेंगे शार्प सेलिंग हुआ, इट्स ए पुल बैक तो डेफिनेटली फर्स्ट पुल बैक के बाद ये सेलिंग के लिए आ रहा है और लो रिटेस्ट तो कर चुका है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है ये ट्रेड के अंदर बाइंग के साइड, तो डेफिनेटली अगर ये ब्रेकडाउन होता है ये लेवल तो फिर से ये सेलिंग के लिए आ सकता है और हम लोगों का 385-390 ये टारगेट हो जाना चाहिए इंट्राडे के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत मोमेंटम करता है, प्राइस तो कम है लेकिन मोमेंटम इसका बहुत अच्छा रहता है, तो 395 या 394 क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं सेल करने के लिए, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है पिडलाइट इंडिया, अगर हम लोग देखेंगे शार्प सेलिंग था कंटिन्यूसली, एक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हुआ था उसके बाद ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, थोड़ा बहुत होल्ड कर रहा है मार्केट अपने आप को, अगर हम लोग देखेंगे नो डाउट एक सेलिंग का तो प्रेशर है लेकिन ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा है और नीचे की तरफ सेलिंग प्राइस फ्लैट हो चुका है, तो ये अगर ब्रेकआउट देता है एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है, 2700 राउंड लेवल पे भी क्लोज हुआ है तो 2705 क्रॉस करते ही साथ हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, बस कल मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलना चाहिए, 2695 के अंदर खुला एंड 2705 क्रॉस कर रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है, एक ब्रेकआउट दे सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, वीडियो चला लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।